हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। तो पहले ओसीडी क्या होता है? ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब कि एक ही तरह के विचार बार बार दिमाग में आना, इम्पल्स आना या इमेजेज फोटोज दिमाग के अंदर आना। जैसे बार बार ये विचार आना कि आपके हाथ गंदे हैं, आपको कहीं कोई इन्फेक्शन लग जाएगा, या बार बार ये विचार आना कि कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, तो कुंडा लगाया नहीं लगाया, कहीं नल खुला तो नहीं रह गया, या कहीं गैस चालू तो नहीं रह गया, या ऐसा विचार आता है दिमाग के अंदर कि चीजें व्यवस्थित नहीं रखी हुई है, चीजें ढंग से नहीं रखी हुई है, उसको सिमेट्री में रखो, सीधा करो। तो इसको बोलते हैं ऑब्सेशन, जो कि बार बार दिमाग के अंदर विचार आता है। अब कंपल्सन मतलब इन विचारों के ऊपर आप एक्शन लेते हो। जैसे आपको विचार आया कि आपके हाथ गंदे हैं, कंटामिनेटेड है, खराब हो गए, तो आप अपने हाथों को बार बार धोते हो, बार बार नहाते हो, बार बार सफाई करते हो, बार बार चेकिंग करते हो। अगर आपके दिमाग में ये विचार आया है कि आपका नल खुला रह गया, गैस बंद हुआ या नहीं हुआ, दरवाजा खुला रह गया, तो आप लॉक चेक करते हो, तो बार बार चेक करना, तो इसको कंपल्सन कहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि रिलीजियस ओसीडी क्या है। देखिए, ऐसा है कि एक पेशेंट मेरे पास आया, वो पेशेंट बोलता है कि साहब ऐसा है कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे दिमाग में जैसे ही मूर्ति देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट आते हैं, मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार आते हैं। सब पहले कभी नहीं होता था, मैं तो इतने सालों से मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा अर्चना करता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, माला फेरता हूँ, लेकिन कोई समस्या नहीं होती। लेकिन पिछले 2 साल से जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट आते हैं जब भी मैं मूर्ति देखता हूँ, तो अब तो मैंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया है। फिर वो अपने आप को इन विचारों के लिए जिम्मेदार मानने लग गया। वो ऐसा लगता है कि मैं कितना गंदा हो गया हूँ, मेरे विचारधाराएं आजकल कितनी गंदी हो गई है, जो मेरे दिमाग में भगवान के प्रति इतने गंदे विचार आते हैं। फिर मैं आपको एक और पेशेंट के बारे में बताता हूँ। एक पेशेंट आया, वो ये बोलता है कि जब वो मंदिर जाता है तो उसके दिमाग में ऐसा आता है कि वो भगवान के ऊपर कुछ ऐसे जब भगवान की मूर्ति देखता है तो लेटरिन के इमेजेस दिमाग में आती है, या जैसे पेशाब कर रहा है इस तरह की इमेज आती है, तो लेटरिन के संबंधित या पेशाब के संबंधित इमेजेस, या फिर जैसे सीमन निकल रहा हो, इस तरह की विचारधाराएं उसके दिमाग में आने लग जाती है। एक और पेशेंट थोड़े टाइम पहले मेरे पास आया था, उसको इस तरह की रिलीजियस ओसीडी थी कि जब वो टॉयलेट में जाता था, जब वो पॉटी करता था, तो उसके दिमाग में भगवान के विचार आने लग जाते थे, भगवान की फोटोज आने लग जाते थे। तो वो परेशान हो गया था कि ये अचानक कैसे, कुछ महीनों से ऐसे मेरे दिमाग में इमेजेस कैसे आने लग गई जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी, वो भी टॉयलेट करते वक्त इस तरह की भगवान की विचारधारा क्यों आ रही। तो वो बहुत ही परेशान हो जाता था, वो बहुत ही जो है वो दुखी हो जाता। तो मैंने अभी जिन पेशेंट्स के बारे में आपको बताया, वो पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। उनका मन उदास रहता था, काम करने की इच्छा नहीं रहती थी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता था, पूरे टाइम अपने आप को अपराध बोध कराते रहते थे, गिल्ट महसूस करते रहते थे कि ये विचारधाराएं हमारे दिमाग में क्यों आ रही है, वो पूरे टाइम सोचते रहते थे ये। तो इस बीमारी को अपन रिलीजियस ओसीडी बोलते हैं, मतलब भगवान के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, अगर जैन धर्म अगर आप फॉलो करते तो उनके प्रति दिमाग के अंदर सेक्सुअल थॉट आना, गंदे विचार आना, टॉयलेट के संबंधित विचार आना जब आप मूर्ति देखते हो या मंदिर में जाते हो। अब ये बीमारी होती क्यों है, उसका लिंक मैंने यहाँ ऊपर दे रखा है, तो इस लिंक में जाइए और इसके कारण आप पता कर सकते हैं। लेकिन मुख्य कारण तो यही है कि इसमें सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओसीडी नाम की बीमारी होती है। अब इसमें इसका इलाज क्या है? देखो, ऐसा है कि इसका इलाज दोनों तरीके से होता है, दवाइयों से भी और थेरेपी के से। तो जब बीमारी गंभीर हो तो दवाई का और थेरेपी का दोनों का सहारा लेना चाहिए। दवाई में जैसे SSRI चलती है, जो कम से कम 6 महीने, 9 महीने, साल भर, कभी कभार 2 साल तक भी चलती है। और थेरेपी में क्या करना होता है कि अपन एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक है, जिसका लिंक ऊपर दे रखा है, वो लिंक पे जाओ और इस थेरेपी के बारे में डिटेल में आप जानकारी प्राप्त करो। थोड़ा सा मैं आप बता देता हूँ इस थेरेपी के बारे में कि अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड विचार आते हैं, जैसे अगर आपको भगवान की मूर्ति से संबंधित या
मंदिर मस्जिद से संबंधित अगर आपके दिमाग में खराब विचार आते हैं तो आप अगर वहां जाना बंद कर देंगे तो विचार बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां जाओ, सामना करो, डरने से बीमारी ठीक नहीं होती है, सामना करने से धीरे धीरे बीमारी ठीक होती है। और अपने आप को इस तरीके से समझाओ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अपनाओ। उसमें ये है कि जो विचार आ रहे हैं वो बीमारी की वजह से आ रहे हैं, आप नहीं सोच रहे। ये जो विचार आ रहे हैं, जो गंदे विचार आ रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं या टॉयलेट से संबंधित जो विचार आ रहे हैं, वो विचार आपकी बीमारी की वजह से आ रहे हैं, आप नहीं सोच रहे। आप उन विचार से अपने आप को अलग करो, आपकी गलती नहीं है। अपने आप को गिल्ट में मत रखो, अपने आप को दोषी मत मानो कि ये जो भी विचार आ रहे हैं वो मेरे हैं और मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे बुखार आता है मलेरिया होने पर, उसी तरीके से ओसीडी होता है तो इस तरीके से विचार आते हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अपने आप को जिम्मेदार मत मानो। और उसके साथ साथ रूटीन की चीजें, अपनी दैनिक दिनचर्या को बिल्कुल भी मत बदलो। जो आपका काम है वो आप लगातार करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, आप अपना टाइम हॉबीज में स्पेंड करो, लोगों के साथ रहो, दोस्तों के साथ रहो, तनाव कम करने के तरीके अपनाओ, रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो जो कि आपकी एंजाइटी को कम करेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जो कि लिंक ऊपर दे रखा है, वो आप देखें, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको साइंटिफिक बेसिस बताता हूँ कि ये मानसिक रोग क्यों होते हैं, इनके क्या लक्षण हैं और इनको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, जिनका साइंटिफिक बेसिस है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।